हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम लोग मीट करने वाले हैं एमडी तब्रेज से, जो कि फ्यूजन कंपनी में ओयो प्रोसेस के लिए जॉब कर चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे यूट्यूब ऑडियंस को सर, आप अपना। जी, सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जो भी इस वीडियो को देख रही है। जी बिल्कुल, जो भी ऑडियंस देख रही है आसिफ भाई को। जी एक्चुअली मेरा नाम शम्स तबरेज है, मैं कोलकाता के रहने वाला हूँ, पार्क सर्कस पे। और जैसा कि आसिफ भाई ने बताया, मैं फ्यूजन पे ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। मैंने फ्यूजन में ओयो प्रोसेस में काम किया हूँ 1.5 साल। अच्छा 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 जी। तो सर आपने कौन सा ईयर में आपने ज्वाइन किया था कंपनी, पहले ये बताइए हमको। जी, मैंने ओयो फीस ज्वाइन किया था, ये फ्यूजन कंपनी ज्वाइन किया था 2022 में। अच्छा, 2 दिसंबर को ज्वाइन किया था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये ओयो आपका इनबाउंड प्रोसेस है या आउटबाउंड प्रोसेस था? जी, ये तो इनबाउंड प्रोसेस था। अच्छा, जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं इनबाउंड ओयो प्रोसेस में था। ठीक है, SIG, क्योंकि ओयो प्रोसेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट रहता है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, एक बुकिंग डिपार्टमेंट रहता है, एक SIG डिपार्टमेंट रहता है। जी, तो मेरा जो था SIG डिपार्टमेंट में था। तो उसमें कस्टमर्स का जितना भी इशू या इशू रिगार्डिंग हम लोगों को कॉल पे रिजोल्यूशन प्रोवाइड करनी होती थी। अच्छा, तो वो इनबाउंड ही था, ऐसा कोई इशू नहीं था। अच्छा, तो जैसे कहने का मतलब ये है तबरेज भाई कि मान लीजिए जब आप जॉब करते थे तो आपका वर्किंग डेज, वर्किंग आवर और वीक ऑफ डेज क्या था, वहाँ पे आपका वर्क क्या था, ये सब थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कोई कैसे अप्लाई कर सकता है फ्यूजन कंपनी में ओयो प्रोसेस के लिए, अगर कोई करना चाहता है तो बिल्कुल बताइए। जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। अगर आप फ्यूजन में ओयो प्रोसेस ज्वाइन करते हैं या फिर फ्यूजन में बहुत सारा प्रोसेस भी है, ओयो में ही सारा बहुत डिपार्टमेंट है। अच्छा, इसके अलावा और भी अभी बहुत सारे नए प्रोसेस आए हैं। जब आपकी ओयो में फ्यूजन में किसी भी प्रोसेस में सिलेक्शन हो जाती है तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ओए के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड था वो हमारा 15 दिन का था। अच्छा अच्छा। तो इस 15 दिन में सबसे पहली बात तो आपको 15 दिन की पूरी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, सैलरी वाइज जो आपको बताया जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो अगर ट्रेनिंग पीरियड आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, सर्टिफिकेशन पे जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका फ्लोरिट हो जाता है। ठीक है, आप काम करना उस दिन से फ्लोर पे शुरू कर देते हैं। तो आपकी 15 दिन की सैलरी बन जाती है। 15 दिन अगर आप फ्लोर हिट कर लेते हैं तो नॉर्मली बाकी एम्प्लॉय की तरह आप भी काम करने लगते हैं। अगर मैं वर्किंग डेज की बात करूँ, टाइमिंग की बात करूँ या फिर वीक ऑफ की बात करूँ, तो लाइक नॉर्मली जैसे कि सभी बीपीओ में होता है, आपको 8 घंटा लॉगिन करना है, नेट लॉगिन। ठीक है, और 1 घंटा आपको ब्रेक का टाइमिंग मिलेगा। टोटल 9 आवर्स का रहता है, 8 घंटा नेट लॉगिन, 1 घंटे का ब्रेक। जी जी। और रोटेशनल शिफ्ट रहता है। ठीक है, आप जब आपकी मतलब फ्लो रेट हो जाएगी और जिसके अंडर पे आप रहेंगे, जो भी आपका टीएड रहेगा, आप उनको बोल सकते हैं कि आपको कौन मतलब प्रेफरेंस आप बता सकते हो कि आपको कौन सा टाइमिंग पे आप कंफर्टेबल हो। लाइक उसमें मॉर्निंग भी शिफ्ट है, इवनिंग भी है और नाइट भी है। ठीक है, तो उसके अनुसार आप बता सकते हैं। अगर सीएल आपको देता है तो अच्छी बात रहेगी। और वीक ऑफ 1 दिन रहता है। ठीक है। अच्छा, अब एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की बात कर ले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कोई कैसे अप्लाई कर सकता है फ्यूजन कंपनी में, और कोलकाता में फ्यूजन कंपनी के कितने ब्रांचेस है सर? जी, फ्यूजन में 2 ब्रांच है। ठीक है, एक आपका कॉलेज मोड में है। जी, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में या सॉल्ट लेक सेक्टर 5 कॉलेज मोड में। जी जी, फ्यूजन का बिल्डिंग है। जी जी, वहाँ पर आपको मिल जाता है। ओके, एंड इसके अलावा एक हावड़ा साइड में भी एक ब्रांच है, फ्यूजन का ही ऑफिस है, वहाँ भी ओयो प्रोसेस चलता है। इसके अलावा और भी प्रोसेस है। तो अगर आप सॉल्ट लेक या फिर कोलकाता एरिया में रहते हैं तो मैं आपको गाइड करूँगा कि आप सॉल्ट लेक कॉलेज मोड आएँ। फ्यूजन में भी हायरिंग भी चल रहा है, ओयो के अलावा भी और भी प्रोसेस में हायरिंग चल रहा है। जी जी। और खास करके लाइक अगर आप HS पास है, ठीक है, या फिर आपको हिंदी आती है या फिर इंग्लिश में नॉर्मल अगर आती होगी आपको, तो आपके फ्यूजन में सिलेक्शन होने का चांसेस है। अच्छा 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 जी। तो अब ये बात कर लेते हैं, जैसा कि आपने बताया कि वर्किंग डेज 6 डेज होता है ना, और वर्किंग आवर्स 8 आवर नेट लॉगिन रहती है, और वीक ऑफ डेज 1 दिन रहता है छुट्टी, जो आपके टीएल के अकॉर्डिंग रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो आप जॉब जो करते थे सर, वो वर्क फ्रॉम होम था या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस था आपका? जी, मैं तो वर्क फ्रॉम होम ऑफिस कर रहा था। ठीक है, लेकिन जब ये मैं उस फेज में भी रहा जब कोविड का जब सीजन चल रहा था। जी बिल्कुल। तो इस टाइम भी बंदों को काफी सारे बंदों को वर्क फ्रॉम होम मिल गया था फैसिलिटी, और अभी भी मेरे काफी फ्रेंड जो है वर्क फ्रॉम होम करते हैं। लाइक अगर आपको कुछ पर्सनल इशू है या फिर टोटली कंपनी के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई बंदा अगर नया आता है, जैसे मान लीजिए मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ, मेरी बात जैसे मान लो मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया फ्यूजन कंपनी में, मेरी जॉब हो गई, सिलेक्शन हो गया ओयो प्रोसेस के लिए, सपोज मान लीजिए ऐसा, ठीक है। तो मेरी कुछ पर्सनल इश्यूज हुए हैं लाइक 6 मंथ बाद, लाइक 3 मंथ बाद, तो मैं अगर चाहूँ कि मैं परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम ले सकता हूँ या फिर ले लूँ, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? क्या ये पॉसिबल है? कंपनी इसके लिए परमिशन देती है क्या? आपको लगता है ऐसा? जी, सबसे पहली बात तो फ्यूजन में बहुत सारे प्रोसेस है, ठीक है। और जब भी आप कोई भी नया प्रोसेस ज्वाइन करेंगे तो नॉर्मली आपको पता होगा, या फिर मैं बताऊं तो स्टार्टिंग में कोई भी आपको वर्क फ्रॉम नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड है, ठीक है, वो आपको ऑफिस, फ्यूजन की बात कर रहा हूँ, जो भी मैं भी प्रोसेस का जो दोस्ती वगैरह है, मतलब लोगों से बात करता हूँ, तो नॉर्मली आपको ऑफिस पे ही आकर ट्रेनिंग पीरियड अपना कंप्लीट करता है। अगर आप उस प्रोसेस में आपको 1 महीना या फिर 2 मंथ हो जाता है, ठीक है, फिर 3 मंथ हो जाता है, उसके हिसाब से आप अपने टीएल से बात कर सकते हैं या फिर जो भी मैनेजर्स वगैरह हैं, आप उनसे बात करके आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल भी सकते हैं, क्योंकि अभी भी जब मैंने फ्यूजन छोड़ा, क्योंकि मेरा फ्यूजन ऑफिस छोड़ते हुए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 दिन हुआ है, ओके, 20 डेज ओनली है, जी, या 20 डेज कंप्लीट हुआ है। सो मेरे फ्रेंड्स अभी भी कुछ ऑफिस से काम कर रहे हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, 5-6 महीना, तो कोई इशू नहीं होता नहीं है। आप फ्यूजन पे अगर चाहे वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हैं या वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या ओपिनियन रहेगा, कि आपका कंफर्टेबल है किस ये प्रोसेस के लिए, मतलब वर्क फ्रॉम होम के लिए या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि तबरेज भाई जैसे सैलरी क्या दे रही है फ्यूजन ओयो प्रोसेस के लिए, कि जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग कंपनीज में डिफरेंट सैलरी होती है, जैसे जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, बट फ्यूजन कंपनी में बहुत सारे प्रोसेस रन कर रहे हैं, तो सैलरी क्या सबकी सेम वाइज होती है या फिर डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट सैलरी होती है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? जी, फ्यूजन में जो भी डिफरेंट प्रोसेस है तो ऑफकोर्स उसमें डिफरेंट सैलरी भी है, ठीक है। मैंने ओयो में काम किया था, तो ओयो के अगर मैं सैलरी की बात करूँ, ओयो में जैसे कि आपको मैंने बताया 2 डिपार्टमेंट है, एक बुकिंग डिपार्टमेंट है, तो बुकिंग डिपार्टमेंट को हम IBT डिपार्टमेंट बोलते हैं, ओके जी। तो अगर आप ओयो के बुकिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उसमें सैलरी जो है SIG डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, बुकिंग डिपार्टमेंट थोड़ी कम सैलरी है। अच्छा, मतलब आपका जो डिपार्टमेंट था वो बुकिंग डिपार्टमेंट था ना तबरेज? नहीं, हमारी बुकिंग डिपार्टमेंट नहीं थी, हमारी लाइक सर्विस डिपार्टमेंट थी, ठीक है। तो बुकिंग डिपार्टमेंट में आपकी अगर सैलरी बताओ तो अराउंड बिटवीन 10,000 to 11,000 के बीच रहेगी। कैश इन हैंड की बात कर रहे हैं आप ना? इन हैंड सैलरी, अच्छा, इन हैंड सैलरी 10 to 11 रहेगी। बट बुकिंग डिपार्टमेंट में एक चीज और अच्छी बात ये है कि अगर आप इसमें टारगेट रहता है कि आप एक दिन में कितनी बुकिंग बनाते हैं, ठीक है, बेसिकली यही काम है। अगर आप बुकिंग ज्यादा बनाते हैं तो IBT प्रोसेस में ये है कि आपको इंसेंटिव ज्यादा मिलने के चांसेस है, अच्छा, ठीक है, क्योंकि जो भी मेरे IBT में फ्रेंड्स थे वो तो उनका जो इन हैंड सैलरी था 11,000 वो तो उनको प्रोवाइड किया जाता था, बट अगर वो ज्यादा बुकिंग बनाते थे, ठीक है, तो उनको कंपनी की तरफ से काफी ज्यादा इंसेंटिव मिलता था, जिस कारण से वो लाइक महीने में बता रहा हूँ लाइक 13-14 हज़ार तक या फिर 15,000 तक भी उठा लिया करते थे। अच्छा, मंथली के 15,000, 13,000 या 14,000 इंसेंटिव करके पैसे ऑन कर लेते थे मंथली का। हाँ, मतलब इंसेंटिव अगर आप चाहे तो 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा उठा सकते हैं, अच्छा, उससे आपकी सैलरी बढ़ सकती है, ठीक है। जी, और जैसे कि आपने पूछा, मैं जिस डिपार्टमेंट था, मैं सर्विस डिपार्टमेंट था, SIG डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं। तो मेरी इन हैंड सैलरी थी 11,800, ठीक है, 11,800 थी। प्लस अगर आपकी कॉल क्वालिटी, जैसे कि पता होगा जो भी आपके ऑडियंस हो, अगर आप BPO में काम किए हुए हैं, जी बिल्कुल, तो क्वालिटी बोलकर रहती है, अगर आपकी क्वालिटी मंथली 85% के ऊपर होती है, ठीक है, तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है। अगर आपकी 90% से ऊपर होती है तो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो इन हैंड लाइक मेरी 11,800 सैलरी है और क्वालिटी मेरा 90% का ऊपर होता है, तो 1,000 ऊपर, दैट मीन 12,000 बोनस के रूप में आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, बोनस के रूप में मिलता है, ठीक है। प्लस कभी कभी OT भी अगर रहता है सीजनली वाइज, या फिर कोई भी फेस्टिवल्स वगैरह में अगर एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ जाता है, जी जी, वो कंपनी OT भी प्रोवाइड करती है। जो लैंग्वेज की अगर बात कर ले तबरेज भाई, तो यहाँ पे क्या आपने हिंदी कॉल लेते थे या फिर इंग्लिश कॉल लेते थे आप? बेसिकली जो कॉल आता था वो दोनों लैंग्वेजेस में आता था, हिंदी भी और इंग्लिश भी। अच्छा, तो जैसा लैंग्वेज मतलब जैसा ऑडियंस रहा या फिर जैसा अपना कस्टमर रहा उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना पड़ता, उसके आंसर करने पड़ते थे, क्यूरीज के आंसर करना पड़ता था। जी, जो बिल्कुल जो कॉल आती थी वो बेसिकली इंडिया के सभी लोकेशन से आती थी। ठीक है, अच्छा अच्छा, सभी लोकेशन से आती थी। तो गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लैंग्वेज में बात करे, जिस लैंग्वेज में वो बात करे, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश और इसके अलावा कोई लैंग्वेज आपको नहीं बोलना है। अच्छा अच्छा, तो मेनली जो फोकस होता था जैसे वहाँ पे कस्टमर, जैसे आपने बताया कि बुकिंग करना पड़ता था, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर, जैसे मैं गुड़गांव गया, सपोज दैट मैं कस्टमर हूँ ओयो का, ठीक है, मैं यूज करता हूँ, कस्टमर हूँ, तो कहने का मतलब है क्या मुझे आपको कॉल करना पड़ेगा कि सर मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे मैं बुक करूँ, क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पे रेज होते थे कस्टमर के द्वारा? मैं जस्ट आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली जॉब प्रोफाइल क्या होता है, ठीक है, अभी किस टाइप के कस्टमर है ओयो में और किस रिगार्डिंग हम रिजोल्यूशन फाइट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप ओयो ऐप यूज करते हैं या फिर आपने ओयो के बारे में सुना होगा। जी जी जी, तो ओयो में बेसिकली सबसे पहले तो आपको बुकिंग करानी पड़ती है, चाहे आप जो भी ऐप यूज करते होंगे। जी जी, है ना, बिल्कुल। तो अगर आप बुकिंग बनाते हैं सबसे पहले तो आप खुद से भी बुकिंग बना सकते हैं, अगर आपको लाइक जो भी हमारी ऑडियंस है या फिर जो भी पर्सन है। जी जी बिल्कुल, वो ऐप से अगर बुकिंग बनाती है, बेसिकली उनको जो होटल जहाँ रहना है, जो जिस लोकेशन पे रहना है, जो होटल पे रहना है, जितना अमाउंट है वो पे करके उन्होंने बुकिंग बना ली। जी जी जी। दूसरी तरफ एक ऐसी मतलब ऑडियंस रहती है या फिर पीपल रहती है जहाँ पर उनको ऑनलाइन बुकिंग नहीं बनाना आता है ना। अच्छा, तो वो कॉल करके बुकिंग बनाएगी, लाइक हमारा बुकिंग डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला है ना, तो ये का जो बुकिंग डिपार्टमेंट वहाँ पर वो पर्सन जो है कॉल करके बुकिंग बनाएगा कि इस लोकेशन पे, इस होटल पे सर मुझे बुकिंग चाहिए, होटल चाहिए। ठीक है, तो आप दो तरीके से बुकिंग बनाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा काम शुरू होता है, ठीक है, एक तो आपने आईबीटी का देख लिया कि कैसे काम होता है। बेसिकली जब कस्टमर को अपना बुकिंग बनाना होता है वो आईबीटी वाले को कॉल करके बुकिंग बनाते हैं, उसका काम होता है बुकिंग बनाना। ठीक है, अब हमारा जो प्रोसेस डिपार्टमेंट का काम था, अगर कोई भी गेस्ट बुकिंग बना लिया, बुकिंग बनाने के बाद अगर गेस्ट होटल पे जाता है, ठीक है, और होटल पे जाने के बाद अगर गेस्ट को होटल ओनर या फिर होटल मैनेजर रूम देने से मना करते हैं या फिर बोलते हैं रूम अवेलेबल नहीं है, या फिर आप रूम ले भी लेते हैं बट फिर भी होटल के जो सर्विस और एमिनिटीज रहते हैं वो अगर अच्छा नहीं लगता है आपको, लाइक एसी नहीं है, टीवी नहीं है, रूम गंदा वगैरह है, ठीक है, या फिर होटल वाले आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आपका इशू हुआ है, ठीक है, तो इस इश्यू को बेसिकली हम रिजॉल्व करते हैं अपने कॉल पे, हमारी जो ओए की पॉलिसी रहती है। ठीक है, तो इस टाइप का आपका पास कॉल आएगा। अगर आप बुकिंग डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट होते हैं, आईबीटी डिपार्टमेंट के लिए, तो वहाँ पर सिर्फ एक काम है, आपको बुकिंग बनाना है, जो भी कॉल्स आएंगे। अगर आप एसआईजी डिपार्टमेंट से, सर्विस डिपार्टमेंट से, तो आपका जो भी गेस्ट का इशू है, जो भी गेस्ट अपना इशू बता रहा है या फिर इंक्वायरी भी बता रहा है, लाइक मेरा बुकिंग मैंने बनाया था, स्टेटस क्या है, कंफर्म हुआ कि नहीं, ऑर्डर का एड्रेस क्या है, तो सर्विस रिलेटेड, इंक्वायरी रिलेटेड आपको इसको रेजोल्यूशन बतानी रहती है कॉल पे। तो काफी इजी है, ऐसा नहीं है, अफकोर्स आपको ट्रेनिंग पीरियड में काफी अच्छे तरीके से बताया जाएगा, जिनका भी ओए प्रोसेस के लिए सिलेक्शन होता है। अच्छा, अफकोर्स आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और तबरेज भाई जैसे ये बताइए कि सैलरी जैसे डेट की अगर बात करें तो इसमें कभी जैसे ऐसा हुआ कि सैलरी डेट अप डाउन हुई या फिर आपकी सैलरी डेट जो भी कंपनी के अकॉर्डिंग एंड ऑफ द मंथ जो है वो क्रिएट कर दी जाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, फ्यूजन का मुझे एक चीज़ अच्छा लगा है क्योंकि मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो सैलरी वाइज अगर मैं बोलूँ, सैलरी मिलने में कभी लेट नहीं हुआ है, लेट सैलरी कभी क्रेडिट नहीं हुई है अकाउंट में। मिनिमम जो सैलरी टाइमिंग होता है, आप जो भी प्रोसेस का बोल लें, फ्यूजन में जितनी भी प्रोसेस चलती है सबका जो सैलरी टाइमिंग है वो 1 तारीख का है। अच्छा अच्छा, 1 तारीख, एक हर महीने की 1 तारीख पे आपको सैलरी मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है, एक तारीख या फिर 2 तारीख के अंदर मिल जाएगी, लेकिन है जो 90% अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादातर पर्सन को, एम्प्लॉय को 1 तारीख को ही मिल जाती है, अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। अच्छा, मतलब एसोसिएट पोस्ट की जो सैलरी होती है जिसमें कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट के बंदे हैं या बंदी हैं जो जॉब कर रही हैं फ्यूजन में, उनका जो अकाउंट में 1 तारीख का सैलरी डेट क्रिएट कर दिया जाता है, ये आप कहना चाहेंगे ना? बिल्कुल, अब जब फ्यूजन पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो फ्यूजन की तरफ से आपका अकाउंट ओपन करवाया जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी जो अगर पहले से अकाउंट है तो वो भी आप दे करवा सकते हैं या फिर कंपनी की तरफ से भी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन सैलरी मिलने में कोई इशू नहीं होगा, 1 तारीख को 100% मिल जाएगा। 100% मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो तबरेज भाई ये बताइए कि जैसे आपने 1.5 ईयर जॉब किया है फ्यूजन ओयो प्रोसेस के लिए, तो जैसे रेफरेंस अमाउंट क्या है? जैसे मान लीजिए अगर मैंने किसी बंदे को मैंने जैसे रिकमेंडेड किया, सपोज मेरे पास 5 फ्रेंड है या 2 फ्रेंड है, अगर मैं उनको रिकमेंडेड करता हूँ अपनी रेफरेंस आईडी के तहत, तो उसकी क्राइटेरिया क्या, कितना पैसा कंपनी पे करती है? और आपने कभी ऐसा ट्राई किया या नहीं किया सर? जी, अगर आप लाइक फ्यूजन में काम करते हैं और किसी जान पहचान के या फिर अपने फ्रेंड्स को आप फ्यूजन में जॉब करवाना चाहते हैं तो बहुत कंपनी आपको अमाउंट देती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है जैसे कि सिलेक्शन होने के बाद वो पर्सन कितने मंथ तक काम कर रहा है। अच्छा, अच्छा। अगर मैं बात करूं जैसे कि अगर सिलेक्शन होने के बाद वो पर्सन अगर 1 महीने तक काम करता है, ओके जी जी जी, तब आपको 500 मिलेगा। अच्छा, 500 जी 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 जी। और जैसे मैं पूछना चाहूँगा, हेलो जी, हाँ जैसे मैं पूछना चाहूँगा लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो जैसे जितने साल काम किया कंपनीज में, उसमें आपने कभी रेफरेंस किए बंदे को या फिर आपने कभी ऐसा नहीं किया? और एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए अभी जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं जो 18 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं, ग्रेजुएट या 12 पास आउट क्रॉस कर चुके हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि फ्यूजन में कैरियर है या नहीं है, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, उनका टीएल का बिहेवियर कैसा है, एचआर का बिहेवियर कैसा है, एएम का बिहेवियर कैसा है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मैंने जो सीखा हूँ, ठीक है, या फिर मैंने जो एक्सपीरियंस किया हूँ इस कंपनी में 1.5 साल में, ठीक है जी जी सर। अगर मैं कहूँ कि चाहे मैं टीएल की बात करूँ या फिर एचआर की बात करूँ या फिर मैनेजर्स की बात करूँ, सबसे पहली बात तो जो वर्क इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और जितने भी टीएल्स वगैरह है या फिर मैनेजर्स वगैरह है वो काफ़ी फ्रेंडली है। डिपेंड करता है एम्प्लॉय के ऊपर भी कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप लाइक एब्सेंट करते हैं या फिर आप टारगेट मीट नहीं करते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं देते हैं, तो ऑफकोर्स किसी भी कंपनी में आपको मैनेजर्स वगैरह बोलेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो ऑफकोर्स वो भी एचआर या फिर मैनेजर अच्छे बिहेव करेंगे। तो मेरे केस में ऑफकोर्स टील या मैनेजर्स वगैरह सभी अच्छे थे, ठीक है। वर्क इन्वायरमेंट भी सही था, जी जी, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस फेस नहीं करना पड़ा। अगर करियर अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूँ, क्योंकि जब मैं सिलेक्शन हुआ था, मैं आपको एक अल्ट्रेसिव और बता देता हूँ। मैं 1.5 साल के अंदर मैंने खुद देखा हूँ, जी जी, एजेंट्स को टीएल बनते हुए मैं देखा हूँ, एजेंट्स को पायलट बनते हुए देखा हूँ, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब उनका प्रमोशन हो जाता है। अगर कोई प्रमोशन लेना चाहे तो आईजीपी करके प्रमोशन मिल सकता है उनको। जी, आईजीपी देके प्रमोशन मिल सकता है। ये भी काफ़ी मेरे 6 महीने बाद, एक बार मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप फ्यूजन में 6 महीने आपका हो जाता है, देन आपके शेम्स लॉगिन पे, मतलब कंपनी के पोर्टल पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा आईजीपी का। अगर 6 महीने बाद वो दिखता है तो आप IJP जिसे बोलते हैं। ओके ओके ओके। तो आप फ्यूजन में जो भी प्रोसेस के लिए अगर किसी की भी रिक्वायरमेंट होगी, लाइक टीए की, मैनेजर की, क्वालिटी की, उसका आप अप्लाई कर सकते हैं 6 महीने बाद। और मैंने भी काफ़ी IJP वगैरह अप्लाई किया हूँ, तो वो ऑफकोर्स मैं बोल सकता हूँ कंपनी जो है सभी को प्रोवाइड करती है कि आप आगे जाएँ। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे एक टीएल की सैलरी क्या होती होगी फ्यूजन कंपनी में? जैसे एसोसिएट की आपने बताया कि 11,000 से लेकर 12,000 या 13,000 विद 15,000 विद द इंसेंटिव। तो टीएल, जी जी, तो टीएल की सैलरी क्या होगी? मतलब ज़्यादा इंक्रीजमेंट होता है या फिर सैलरी के अकॉर्डिंग इंक्रीजमेंट मिलता है? जी, टीएल की अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो बेसिकली टीएल के सैलरी के बारे में इतना मुझे पता नहीं है, बट लाइक मैं ऐसा बोल सकता हूँ 17 से 20 के आसपास है। अच्छा अच्छा, तो वो डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस का वो है या फिर कितने मेन पावर उनके अंडर में वर्क कर रहे हैं, ये सभी टोटली डिपेंड करता है। मैं मुझे इसके बारे में ऐसा नहीं पता, मैं इसके बारे में बता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है तरवेज जी, आपने बहुत बहुत अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया और आपने ये बताया कि किस प्रकार फ्यूजन कंपनी में अपने 1.5 ईयर्स का जो समय है वो अपने एक्सपेंड किया और कैसे जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्क क्या होता है, वर्क कल्चर कैसा है, टीएल का बिहेवियर, एएम का बिहेवियर या फिर एसोसिएट का बिहेवियर। काफ़ी अच्छा रहा आपके साथ, जैसा कि आपने अपना शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।